द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से फ्रांस करीब करीब दिवालिया हो गया था और इंडो चाइना क्षेत्र में अपने उपनिवेश को बचा नहीं सका। ये कहानी तब शुरू होती है जब 1954 के जिनेवा सम्मेलन के साथ फ्रांसीसी उपनिवेश रहे वियतनाम को आजादी मिली। हालांकि आजादी से पहले वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया गया, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम। यही से अमेरिका की वियतनाम युद्ध में फंसने की कहानी शुरू हुई। कम्युनिस्टों के संगठन वियत मिन ने उत्तरी वियतनाम पर नियंत्रण कर लिया, जबकि अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम के लिए वित्तीय और सैन्य मदद देनी शुरू की। पूरा वियतनाम और आस पड़ोस के देश साम्यवादी ना हो जाए, इस डर से संघर्ष को जारी रखा और इसी डर से अमेरिका एक ऐसे युद्ध में खींचा चला गया जो एक दशक तक चला और लाखों लोगों की जान गई। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वियतनाम दौरे के बाद वियतनाम की जंग की कहानियां सामने आने लगी और अब ये अटकलें लगने लगी हैं कि पुतिन की ये पहल एक और शीख युद्ध की शुरुआत तो नहीं है। चलिए जानते हैं कि वियतनाम की उस खौफनाक जंग की कहानी जिसे जीतने के लिए अमेरिका ने सब कुछ दांव पर लगा दिया और हार गया। वियतनाम युद्ध 1 नवंबर 1955 से 30 अप्रैल 1975 तक चला, तकरीबन 25 साल। इस जंग का समापन तब हुआ जब अमेरिका समर्थित दक्षिणी वियतनाम की राजधानी साइगोन पर उत्तरी वियतनाम के गुरिल्ला लड़ाकों के संगठन यानी वियत कॉन ने कब्जा कर लिया। असल में वियतनाम जंग वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के बीच चली लंबी लड़ाई थी। इसे इंडो चीन युद्धों में से दूसरा और शीत युद्ध का एक प्रमुख संघर्ष माना जाता था। वियतनाम युद्ध तो उत्तर और दक्षिण वियतनाम के बीच लड़ा गया, जिसमें उत्तर को सोवियत संघ, चीन और अन्य कम्युनिस्ट देशों का समर्थन प्राप्त था, वहीं दक्षिण वियतनाम को अमेरिका और कम्युनिस्ट विरोधी सहयोगियों का समर्थन प्राप्त था। ये लड़ाई दरअसल अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक छह युद्ध के रूप में लड़ी गई थी। 20 साल तक चली ये लड़ाई 1975 में लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के बनने के साथ ही खत्म हो गई। ये एक तरह से सोवियत रूस की जीत थी क्योंकि तीनों देशों में कम्युनिस्ट शासन कायम हो गया। अगस्त 1964 की शुरुआत में जब उत्तरी वियतनाम के गुरिल्ला युद्ध में माहिर वियत कॉन्ग यानी वियतनामी लड़ाकों ने उत्तरी वियतनाम के तट के पास टोकिन की खाड़ी में अमेरिकी जंगी जहाजों पर हमला किया तो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉनसन ने उत्तरी वियतनामी नौसैनिक अड्डों पर जवाबी बमबारी कर हमला करवाया। फरवरी 1965 में गुरिल्ला लड़ाकों को मारने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन रोलिंग थंडर चलाया, जिसमें वियतनामी गुरिल्लाओं पर जमकर बमबारी की गई। 1967 के आखिरी तक हर हफ्ते करीब 500 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबरें आ रही थी। अमेरिकी सरकार युद्ध पर पानी की तरह पैसे बहा रही थी। जॉनसन ने जो ग्रेट सोसाइटी प्रोग्राम चलाए थे उन्हें पैसे मिलने बंद हो गए, महंगाई की रफ्तार बढ़ गई थी। ऐसे में 1965 में यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ छात्रों का एंटी वियतनाम आंदोलन और भी बढ़ता चला गया। पूरे अमेरिका में छात्र सड़कों पर नजर आने लगे थे। हर कोई वियतनाम जंग का जल्द समाधान चाहता था। वहीं रूस को इस जंग में कूटनीतिक मोर्चे पर काफी बढ़त मिली, जिसने उत्तरी वियतनाम का समर्थन किया था। अमेरिका ने 20 मिलियन अमेरिकी गैलन यानी 75 मिलियन लीटर से भी अधिक जहरीले केमिकल जैसे हर्बिसाइड का छिड़काव करके दक्षिण वियतनाम के 20% जंगल और 20 से 50% मैक्रोव जंगलों को नष्ट कर दिया। इसे बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी विनाश हुआ और अमेरिका ने कई भयानक हथियारों का इस्तेमाल किया था। इनमें नापाम और एजेंट ऑरेंज का प्रयोग शामिल है। 2008 में अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि युद्ध पर कुल 670 के अरब डॉलर खर्च हुआ था, जो आज के वक्त में तकरीबन 950 अरब डॉलर से ज्यादा है। उत्तरी वियतनाम के करिश्माई नेता हो जी मिन ने अपने भाषणों में वियतनामी लोगों से जान फूकी थी। उन्होंने कहा था कि सभी मनुष्य समान पैदा होते हैं, निर्माता ने हमें अपरिवर्तनीय अधिकार दिए हैं, जीवन, स्वतंत्रता और खुशी। हो जी मिन ने ही उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के एकजुट होने की अहम भूमिका निभाई। उन्हीं की अगुवाई में वियतनाम जंग अमेरिका कभी नहीं जीत पाया। वियतनाम की जंग को अक्सर पहला टेलीविजन युद्ध कहा जाता है और इस युद्ध के दौरान मीडिया कवरेज अभूतपूर्व थी। यूएस नेशनल आर्काइव्स के एक अनुमान के अनुसार 1966 तक 93% अमेरिकी परिवारों के पास टीवी सेट थे और वे जो फुटेज देख रहे थे वो कम सेंसर किए गए होते थे और पिछले संघर्षों की तुलना में ज्यादा जल्दी देखे जाते थे।
यही कारण है कि पतझड़ के दौरान साइगॉन पर हमले में अमेरिकी दूतावास परिसर के आसपास लड़ाई के फुटेज इतने शक्तिशाली थे कि अमेरिका में एक समय इसी युद्ध को देखने के लिए टीवी सेट खरीदने की होड़ सी मच गई थी। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन।